हमारी आज की क्विज है भारतीय आजादी के लिए विदेशों में हुई क्रांतिकारी गतिविधियों पर, माने भारत के बाहर देश की आजादी के लिए जो प्रयास हुए उन्हीं पर है आज के सभी सवाल। शुरू करने के पहले क्विज के नियम बता देते हैं। हर सवाल के लिए आपको मिलेंगे 100 पॉइंट, सवाल 15 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन पर होंगे। इस दौरान आपको जवाब देना है, जितनी जल्दी सही जवाब देंगे लीडर बोर्ड पर उतनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, और सभी सवालों के सही जवाब दिए तो लीडर बोर्ड के टॉप 50 लोगों को मिलेगा इनाम। बाकी नियम और शर्तें आप क्विज के FAQ सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला सवाल, इनमें से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? कितना पढ़ा है आपने गदर पार्टी के बारे में? अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने बनाया था इसको, एक पत्र भी निकालती थी गदर पार्टी। बताइए कौन था इसका संस्थापक अध्यक्ष? सही जवाब, सोहन सिंह भाकना। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए गदर पार्टी नाम का संगठन बनाया गया था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने साल 1913 में बनाया था। ये पार्टी हिंदुस्तानी गदर नाम का पत्र भी निकालती थी जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। दूसरा सवाल, इनमें से कौन गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे? चार में से एक नाम पहचानना है, बहुत फेमस सवाल है, उनके बारे में बहुत कुछ तो पहले से ही सुना होगा आपने। सही जवाब, खुदीराम बोस। इन्होंने भारत के बाहर नहीं बल्कि भारत में ही क्रांति की थी। मुजफ्फरपुर में अंग्रेज अधिकारी किंग्सफोर्ड को बम से मारने की कोशिश की, लेकिन धोखे से उसकी पत्नी और बेटी मारी गई। इसी कांड के बाद खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। बाकी तीनों नेता गदर पार्टी के सदस्य थे। तीसरा सवाल, इनमें से किसने विदेश में एक गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? अफगानिस्तान में बनाई गई थी ये सरकार, प्रथम विश्व युद्ध के वक्त की बात है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, याद होना चाहिए आपको, जिनको याद नहीं है अब नहीं बोलेंगे। सही जवाब, महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान साल 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप खुद राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। चौथा सवाल, इनमें से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? इन्होंने पेरिस में कई सालों तक भारत की स्वतंत्रता के लिए काम किया। यूरोप और अमेरिका में भी क्रांति का संचालन किया। सही जवाब, भीकाजी रुस्तम कामा। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया था। ये 30 सालों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। 1936 में वो 75 साल की उम्र में बंबई लौट कर आईं और उसी साल उनका देहांत हो गया। वो भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जानी जाती हैं। पांचवा सवाल, मैडम कामा ने 1907 में पहला तिरंगा कहाँ फहराया था? ऊपर वाले सवाल से कुछ तो आइडिया मिला होगा, याद करिए कौन सी जगह थी जहां झंडा फहराया था। सही जवाब, स्टुटगार्ट। मैडम कामा शुरू में दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव थी, बाद में वो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई थी। 22 जनवरी 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सबसे पहले फहराया था। यहां फहराया गया ये झंडा कलकत्ता में फहराए गए झंडे का ही बदला हुआ रूप था। छठवां सवाल, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? लंदन में हुआ था ये कांड। कहां कहां पहुंच जाते थे उस जमाने के क्रांतिकारी, इस कांड में उधम सिंह भी थे, अब याद कीजिए। सही जवाब, मदनलाल ढींगरा। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने लंदन में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य के सचिव के सलाहकार कर्जन वाइली और कावास को गोलियों से भून दिया था, जिसके कारण उनको फांसी की सजा हुई थी। सातवां सवाल, कामागाटा मारू क्या था? बहुत बड़ी घटना थी, आज की तरह दुनिया जागरूक नहीं थी तब। आज की तरह मानवाधिकार की बात करने वाले संगठन नहीं थे, महीनों बिना खाए पिए मरते रहे थे लोग। सही जवाब, एक जहाज। कामागाटा मारू एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर ये जहाज साल 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए चला, लेकिन कनाडा में इसको नहीं घुसने दिया गया। महीनों तक जहाज के यात्री बिना खाना पानी के जूझते रहे। किसी तरह जहाज वापस भारत लौटा तो अंग्रेजी पुलिस ने इन्हें क्रांतिकारी समझकर गोली चला दी, जिसमें कई नागरिक मारे गए थे। आठवां सवाल, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? जापान में हुई थी इसकी स्थापना, बैंकॉक में हुआ सम्मेलन, फिर इसकी स्थापना, सुभाष चंद्र बोस भी पहुंचे थे इसमें, ये बता देता हूं मैं, हिंट दे दिया, अब तो याद आ ही जाना चाहिए। सही जवाब, रास बिहारी बोस। ये जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए इन्होंने
टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया और इसमें सुभाष चंद्र बोस को भी बुलाया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। नौवां सवाल, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? विदेशों में भारतीय क्रांति पर ये बेसिक सवाल है, गदर पार्टी से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों ने बनाया था ये संगठन, बताया ही था हमने। सही जवाब सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को बनाया गया था। इस संगठन की स्थापना साल 1913 में भारत को आजाद कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका और कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। दसवां और आखिरी सवाल, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को किसने शुरू किया था? ये यहीं से एक न्यूज़पेपर भी निकालते थे। इंडिया हाउस की स्थापना भी इनके ही द्वारा की गई थी। कुछ तो याद आया होगा, जल्दी बताइए। सही जवाब श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इंडिया हाउस की स्थापना भी इनके द्वारा ही की गई थी। यहां से एक न्यूज़पेपर द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी शुरू किया गया। तो ये थी हमारी आज की क्विज, आपका काफी कुछ रिवीजन हुआ होगा, जिनको सारे जवाब पता थे और जल्दी जल्दी सही जवाब पर टिक मारा है। तो थोड़ी देर में आएगा एक लीडर बोर्ड, वहां अगर आप टॉप 50 में हैं तो अपना इनाम ले सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए, जगह है और समय यही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों को भी बताइए।